चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमाम्यं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानदेमिरन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अलग अलग स्तवन में देवचंद्र जी ने परमात्मा का तत्व स्वरूप बताया है। उन्होंने परमात्मा के गुण पर्याय का वर्णन किया है। उनका उद्देश्य और उनका लक्ष्य यही है कि हम परमात्मा के गुणों की प्रतीति करें, परमात्मा के गुणों को स्व आत्मा में निरीक्षण करें, उसका दर्शन करें और उन गुणों को प्रकट करें। हमारी साधना उपासना का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। इस स्तवन में देवचंद्र जी ने आनंद का विषय लिया है। 99% लोग को का लक्ष्य यही होता है कि सुख मिले और दुख दूर हो जाए। सुख पराधीन है, पर पुद्गल पदार्थ पर आधारित है। हमने जो पर पुद्गल पदार्थ में सुख बुद्धि की है और हमारा निश्चय नए से वो हमारा निश्चय नए से मिथ्यात्व है। पर पुद्गल पदार्थ में से सुख बुद्धि हटाकर आत्मभाव में स्व आत्मा में आनंद बुद्धि करना निश्चय नए से सम्यक दर्शन है। आत्मा के मुख्य चार गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य है। इन गुण पर जो अनंत काल से आवरणीय कर्म है, जो पूर्ण रूप से वह पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से आत्मा का वो गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। जिस तरह सूर्य का उदय होने से चिरकाल का अनंत अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। जिस प्रकार प्रभु के कल्याणक के समय तीनों लोक में प्रकाश हो जाने से सब पशु पक्षी आनंदित होकर नाचने गाने लगते हैं और जिस तरह किसी व्यक्ति की आंखें चले जाने के बाद वो अचानक देखने लगे तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, उसी तरह आत्मा का पूर्ण रूप से कर्मक्षय हो जाने पर पूर्ण गुण प्रकट हो जाने जाते हैं। आत्मा परम आनंद अनंत आनंद का अनुभव करता है। परम ज्ञानानंद, परम दर्शनानंद, परम चारित्रानंद और अनंत पर और या परम वीर्यानंद। अघाती कर्म का क्षय करके जीव जब सिद्ध बन जाता है तो शरीर संबंधी सब दुख चला जाता है और साता असाता भी चली जाती है और जीव परम आनंद को प्राप्त करता है। बिना पुद्गल पदार्थ के ऐसे मोक्ष का आनंद का हमें परिचय नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं। प्रभु के केवल ज्ञान और केवल दर्शन में तीनों काल के तीनों लोक के सर्व पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए प्रभु का ज्ञान आनंद से पूर्ण है। स्वरूप प्रमाण रूप अनंत चारित्र के पवित्र आनंद से प्रभु परिपूर्ण है। देवचंद्र जी ने ध्यान और साधना से ऐसे आनंद की अनुभूति की है। भगवान जैसे है वैसे मैं भी हूँ, यह द्रव्याने योग में हमने पढ़ा है। अब ध्यान और मेडिटेशन से उसको हमें प्रैक्टिकल बनाना है। इस सवन का मुख्य कंसेप्ट आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या सूर्य प्रकाश का जब बोला ना तो उसके साथ में आनंद और ये सब जोड़ दिया। क्या बोलना चाहिए था, जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही, सूर्य का उदय होते ही अमावस्या का अंधकार दूर होने पर गांव वासियों लोगों को रहने को कितना आनंद होता है, ठीक वैसे ही
आत्मा पर लगे हुए आवरणीय कर्मों का क्षय होने पर पूर्णानंद कैसे प्रकट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी चल रहा है सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन और कंसेप्ट है आत्मा के आनंद का। अब आनंद शब्द मैंने कहा था लास्ट टाइम कि कितने शब्दों के साथ जुड़े, गुणों के साथ, वही ज्ञानानंद, वही चिदानंद, वही दर्शनानंद, वही चारित्रानंद, वही वीर्यानंद, वही परमानंद, वही। तो इस प्रकार से यहाँ पहली गाथा के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, श्री सुभाष आनंद में गुण अनंत नो कंद हो दिन। अब भगवान अनंत गुणों का कंद मतलब मूल स्वरूप है, परमात्मा अनंत गुण। देखिए दो बार अर्थ करिए, दो शब्दों का दो तरीके से अर्थ करिए, गुण अनंत नो कंद हो, और दूसरी बार लीजिए अनंत गुणों का कंद हो, और तीसरी बार लीजिए एक एक गुण का प्रमाण जो अनंत है उसका मूल स्वरूप हो। ये विशेषता चल रही है यहाँ पर। तो आखिर ये किसके हैं? जो आत्मा के गुण है वही परमात्मा के गुण है। तो आत्मा में जो गुण प्रकट है, हमारी आत्मा में क्या है? आवरणीय कर्मों से आच्छन्न है, ढके हुए। परमात्मा के अंदर अनंत गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। तो ये क्या बता रहा है लक्षण? जिस आत्मा के गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए वही परमात्मा है। इसलिए हमको यहाँ देवचंद्र जी कह रहे हैं, आप सुख दुख के चक्कर में मत फंसिए। दुख दूर करना, सुख प्राप्त करना, यही हमारा साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। मोक्ष को भी सुख की बुद्धि से मोह उत्पन्न करके मत समझिए आप। मोक्ष मिलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनंत सुख ये प्रलोभनकारी शब्द है। तो इसमें हम आ जाते हैं, सोचिए तो यहाँ पर क्या बात है? आनंद बात है। अब ये आनंद किसका है, कितने प्रमाण में, कैसा है, इसी बात को और आगे प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भगवान किस रूप में कैसे हैं, भगवान का कैसा कैसा रूप, कितने तरीके से कैसे हैं। एक तरफ जो है पहली गाथा के अंदर इतना उच्च कक्षा का आत्मिक आनंद बताया, अब दूसरी गाथा के अंदर सांसारिक लोगों को, सर्व सामान्य लोगों को अब भगवान ऐसे हैं कैसे हैं, ये भी एक स्वरूप समझाने के लिए थोड़े दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भी कहते हैं। देखिए संसार के अंदर सभी लोगों के पास निश्चय नयात्मक एंगल दृष्टि नहीं है सर। सर्व सामान्य लोग तो अपनी तरह से, अपनी वृत्ति से, दृष्टि से भी तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे भगवान को। सभी तो निश्चय नयात्मक की भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं। तो 99% लोग ज्यादातर व्यवहार नय की दृष्टि में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़े से लोग जो है वो निश्चय नय के एंगल को समझ सकते हैं, बाकी सबके वश की बात नहीं है सर। तो ये भी बात हमको यहाँ पर लगी है, इसलिए हमको ये कहा है, संरक्षण बिन नाथ छो द्रव्य बिना धनवंत जिन जी, कर्ता पद क्रिया बिना संत अजेय अनंत जिन जी। हे भगवान, बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि आप कैसे भगवान हो, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अब ध्यान रखना सर, फिर आगे भी जो है अगम अगोचर शब्दों का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे आगे, ये महात्मा बड़े अध्यात्म योगी हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन दे हैव डन विच इज इन देयर एक्सपीरियंस, द पर्सन हैविंग दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, समझे, बिकॉज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन ही हैड डन। परमात्मा का ज्ञानात्मक स्वरूप, पहले इन्होंने ज्ञान साधना प्राप्त कर ली, अब परमात्मा का ध्यान कर लिया, और ध्यान करके परमात्मा का वो सारा स्वरूप इन्होंने अपने अनुभव में लाया है। अब परमात्मा को ये इस प्रकार से कह रहे हैं, भगवान बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जो संभावना नहीं है वो आप में दिखाई दे रही है। लोग क्या सोचते हैं,
भगवान तो जे छे भगवान कैसे नाथ है, नाथ मतलब कैसे योगक्षेम करे वो नाथ। सभी लोग क्या चाहते हैं, भगवान हमारी रक्षा करे। अब मैं आपसे ये पूछूं नरेंद्र जी, भगवान आपकी रक्षा कैसे रक्षा करे, किस प्रकार की रक्षा चाहते हैं आप? व्यक्तियों की रक्षा, लेकिन हालांकि भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहे। पहले ये बताइए, आप भगवान से किस प्रकार की रक्षा की अपेक्षा रखते हो? भगवान से कोई रक्षा की अपेक्षा नहीं रख सकते भाई साहब, मैं सीधा बोलता हूँ तो आप दूसरी भाषा। चलो योगी बहन बोलिए साहब। मेरा कहती हूँ कि मेरा सम्यक, कोई रक्षा नहीं मांगती हूँ मैं भगवान से, बस यही मांगती हूँ कि सम्यक दर्शन हो। आपकी अपेक्षा क्या है, कैसी अपेक्षा आप रखते हो ज्योति बहन? व्हाट टाइप ऑफ, मतलब परमात्मा से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, कि भगवान हमारी रक्षा करे, ये हम लोग रोज बोलते हैं, तो कैसे रक्षा करे, किस प्रकार के रक्षक बनाना चाहते हैं आप? नीलिमा देवेन, आप रक्षा पोटली बांधो छो ने, अने पछी शू इच्छो छो के भगवान हमारी रक्षा करे, तो रक्षा पोटली बांधी एटले भगवान तमारी साथे रोज रस्ता ऊपर चालता रहे, तमारो एक्सीडेंट थाय तो बचावे, शू करे जी? तो थोड़ी तो इच्छा होय ने। हा जो એમને તો આપણે આપણું શરીર સારું રહે બધું, તો ભગવાનની આરાધના કરી શકીએ. તમે રસ્તે ચાલતા હો તો તમારી રક્ષા તમારા પતિ કરવાની જવાબદારી પતિની છે કે પરમાત્માની છે? પરમાત્મા જ કરી શકે. લો તો પછી પતિની શી જરૂર? પતિ શબ્દ કા અર્થ યે હૈ, પતિ શબ્દ કા ભી અર્થ હૈ કે જો રક્ષા કરે, પત્ની કી રક્ષા કરે, પુત્ર કી રક્ષા કરે, વો પતિ હૈ। लेकिन हमने अभी तक ये डिसीजन नहीं किया, हमारी रक्षा किससे, कैसे, किससे रक्षा करनी है आपकी? नंबर एक, एक्सीडेंट से रक्षा करनी है, आपके शरीर की रक्षा करनी है, रोग बीमारियों से आपको बचाना है, या आपको कोई प्रहार करे मारने आए तो बचाना है, आग लगे तो बचाना है, किससे आपकी रक्षा, आप किससे चाहते हो पहले, ये तो कोई नहीं बोलता ऐसा। ख्याल है एक भाई साहब ने मर्डर किया और जब जेल होने आई, अब वो कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करना, और आप नहीं करोगे तो आप सच्चे भगवान ही नहीं हो। लो मैंने आपकी जिंदगी भर सेवा की, दर्शन की, पूजा की, अब सही समय आया है, भगवान देखो मेरे को जेल हो रही है, अब आप मेरी रक्षा करना, आप नहीं करोगे, रक्षा नहीं करोगे तो फिर आप भगवान किस बात के, फिर मैं कल से आपको नहीं मानूंगा। बोलो अब क्या करना, भगवान क्या जवाब दे, कैसे भगवान इनको, ऐसे लोगों को कैसे जवाब देता? आप पहली बात, 99% लोगों की मेंटालिटी देह रक्षा, सबकी लक्षण दृष्टि है देह रक्षा करे, कोई ये नहीं कह रहा है कि भगवान मैं कभी पाप करूं ही नहीं, मेरी ऐसी रक्षा करना, पाप बुद्धि बने ही नहीं मेरी, दुर्बुद्धि मेरी हो ही नहीं, ये मेरी आंतरिक रक्षा कैसे हो? एक प्रयोग मैं कराने वाला हूं जो मैं आपको लिखकर भेज दूंगा, वो है आत्मरक्षा स्तोत्र। अब शास्त्रकारों ने लिखा तो है, उसको नाम दिया है आत्मरक्षा स्तोत्र, लेकिन लोगों ने उसको बना लिया देह रक्षा स्तोत्र। अब क्योंकि लोग आत्मा और देह में भेद ही नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है आप। जब आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करोगे तब आपको लगेगा हाँ मुझे मेरे आत्मा की रक्षा करनी है, नहीं तो 99% लोग देह रक्षा की ही इच्छा लगते हैं। यहां ये शब्द क्या कह रहे हैं, संरक्षण विननाथ छो भगवंत, आप तो हमारा कोई संरक्षण तो करते ही नहीं हो, फिर भी आप हमारे नाथ हो। जो दुनिया में लोग सब इच्छते हैं अपने अपने भगवानों के बारे में, सबने जो अपेक्षा रखी है, तो वहां वो अलग तरीके से बोलते हैं, और यहां हम तो इस अर्थ में नहीं बोलते हैं। अन्य धर्मों में आप चले जाइए तो वहां पर तो क्या है, भगवान भक्त की हमेशा ही रक्षा करते हैं,
भगवान हमेशा ही भक्त का ध्यान रखते हैं। माँ जैसे बेटे का ध्यान रखती है ना निरंतर, वैसे ही भगवान भक्त का ध्यान रखते ही रहते हैं। भगवान हमेशा ही भक्त के साथ ही रहते हैं। जैसे आपने मान लो अपना क्या बॉडीगार्ड समझ लिया है कि क्या अंगरक्षक समझ लिया है, ऐसी मानसिकता हमने बना ली है। यहाँ देवचंद्र जी स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि भगवान संरक्षण बिन नाथ छो, आप तो हमारा तो कोई संरक्षण तो करते ही नहीं हो, फिर भी आप हमारे नाथ हो। तो ये मतलब क्या है, बाह्य दृष्टि से किसी का संरक्षण न करते हुए भी समस्त सर्व जीवों के त्राण रूप शरण दाता आप योगक्षेम करने वाले नाथ। क्या भगवान मेरी शरीर की रक्षा करे, मैं उनको बड़ा नहीं समझता हूं, मेरी आत्मरक्षा आप कर रहे हो, यही आपका बड़प्पन है। आपने ऐसा मोक्ष मार्ग बताया, पाप निवृत्ति का मोक्ष मार्ग बताया, वीरति प्रधान मोक्ष मार्ग बताया, व्रत नियम का स्वरूप ऐसा बताया कि मेरी आत्मा पाप कर ही नहीं सकती है, मैं पाप से रोज बच रहा हूं। आपने संवर धर्म बताया है, आपने निद्रा धर्म बताया है, मैं इससे मेरी आत्मा को रोज बचा रहा हूं, मैं नरक में जाने से अपनी आत्मा को बचा रहा हूं, मैं दुर्गति में गिरने से अपनी आत्मा को बचा रहा हूं, मैं तिर्यन गति में जाने से अपनी आत्मा को बचा रहा हूं। हे भगवान आपने ही तो कहा है जो रात्रि भोजन का त्याग करे, आहार की संज्ञा का नियंत्रण करे और तब तपस्या के व्रत भाव में रहे उसकी तिर्यन गति नहीं होती है। शास्त्र में तो यही कहा है, अति आहार की संज्ञा हो, आहार की लोलुपता हो, आहार के पीछे सतत जो है उसका मानसिक भाव बना रहे, उसी के पीछे राग द्वेष क्लेश कसाय करता रहे, कुछ भी खाए, कभी भी खाए, कुछ भी खाए, उसको कोई डर नहीं है। तो वैसे जीव खा पी करके तिर्यंच गति में जाते हैं। तो भगवंत आपके इन आज्ञाओं को, वचनों को सुनकर मैंने अपनी आत्मा को व्रत तप जप पचखान में रख लिया है, मैंने आहार की संज्ञा घटा ली, मैं संवर भाव में रह करके 18 ही पाप की निवृत्ति करता हूं, तो मेरी तो दुर्गति होगी नहीं। ये आपके, आपने इस तरह से हमारी रक्षा की है, मेरे साथ नहीं रहते हो आप, मेरी शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हो आप, मेरी आत्मा की रक्षा कर रहे हो आप। संरक्षण बिना नाथ छो, द्रव्य बिना धनवंत। बोले साहब माता जी अब भगवान को धनवान कहना कि दान देने वाले धनवंत श्रीमंत कहना, क्या कहना, भगवान देते हैं, कितना दिया किसको, लाख रुपए ऐसे द्रव्य रूप में धन नहीं देते हैं, लेकिन उनका उनका जो धर्म सुन के, केवली प्ररूपित धर्म सुन के जो हम अल्टीमेट ट्रुथ जानते हैं, उससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं। देखिए कि इसीलिए समझते हैं, अन्य लोग यही समझते हैं कि भगवान रोज हमको सोना चांदी हीरा मोती धन धान्य रिद्धि सिद्धि संबद्धि संवृत्ति बस देते रहे देते रहे देते रहे, ये बात है समझे कि नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी की शादी के निमित्त मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मुझे बेटी को जो है 51 लाख रुपए देने हैं, इतना सोना देना है, इतने दागिने देने हैं, भगवान आप मुझे इतना दे दो, मेरी तो इस समय शक्ति नहीं है, आप मुझे ये दे। अब उसने क्या किया, एक महीने तक साधना की, एक महीने तक, अंत में भगवान ने आकर के उसको ये कहा आप बेटी को कुछ मत देना, बस सिर्फ एक गाय दे देना, आपके पास यही है ना घर में, एक गाय दे देना और उसको इतना ही बोलना, बस गो रक्षा करना, गाय का संवर्धन संरक्षण करना, देखना तुम्हारे पैसे देने से ज्यादा बेटी के घर में इतना पैसा आ जाएगा। अब वो बाप तो बेचारा मानने को ही तैयार नहीं, नहीं भगवान ऐसा मत करो ना, समाज में मेरी हिलना हो जाएगी, समाज में लोग मुझे क्या बोलेंगे, कन्यादान कर रहे हो, बेटी की शादी कर रहे हो लेकिन उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, क्या ये कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा किसी की मत सुनना, बस बहुत हो गया, नहीं बस तेरे को तो एक गाय दे देना बस, और कुछ मत देना। ठीक है भगवान,
तो उसने तो अपनी तरह से बात फैला दी लोगों में और बेटी की शादी में एक गाय दे दी। अब बेटी गई ससुराल गई सब ख्याल आया कि नहीं, अब वो एक गाय का पालन करते 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 दूध दही छाछ से घर पूरा जो है अच्छी तरह से संभालते हुए आरोग्य सबका इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा। अब साल भर में एक गाय से उसको बच्चा पैदा हुआ, दो हो गई था। अब इसी तरह से चलते चलते 10-20 साल के अंदर 10-20 गाय हो गई। अब तो उसको खाना पीना बेचना दूध दही छाछ मक्खन घी आरोग्य शरीर संभाल सबका इतना सुंदर रहा, पूरा घर ये बोलता है कि ये बहू जो आई है घर में हमारे एक नए पैसे का दवाई पानी में खर्चा ही नहीं, एक बच्चा कभी बीमारी नहीं पड़ा, एक को भी कोई तकलीफ भी नहीं। तो पूरे समाज के अंदर से गांव में से सबको पूछा भाई, वो लोग बोलते हमारा तो इतना खर्चा होता है डॉक्टर का, सभी बोलते हमारा तो इतना खर्चा होता है, इसका तो कुछ भी नहीं होता है, इसका तो कुछ भी नहीं होता है। तो उसने सब सारा रहस्य अपना बता दिया, इसके कारण मेरे पिताजी को भगवान ने आकर कहा था तो ये उन्होंने गाय दी थी, आज मेरे पास 20 गाय हो गई, आज मेरा परिवार इतना बड़ा है, सब लोग खा पी करके इतने सुखी है, कुछ नहीं था, कोई कमी नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अब जब 25 लोगों ने समाज के लोगों ने चारों तरफ से अपना खर्चा गिनाया था, 20 साल का लोगों का मेडिकल का डॉक्टर का दवाइयों का खर्चा कितना हुआ और इनका एक नया पैसा भी नहीं हुआ। हर तरीके से स्वास्थ्य से आरोग्य से और सब तरीके से खेती भी कर रहे हैं, बैल भी हो गए, खेती बाड़ी अच्छी है, घर परिवार में सुखी खा पी करके बोले ये तो काम धेनु गाय है हमारी, तो बाग बगीचे इतने हो गए, खाना पीना इतना हो गया, सबको काम इतना हो गया, कोई बगीचा संभाल रहा है, कोई अनाज पैदा कर रहा है, कोई बेच रहा है। बोले करो हिसाब करो, 20 साल के अंदर सब लोगों ने जो है इतना किया, आज वो 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है। अब बापा ने अगर 51 लाख दिए होते और 51 लाख के दागिने आभूषण दिए होते, चोरी हो गई होती तो रोते सिर पर हाथ देकर, और आज सारा गांव बोल रहा है कि नहीं अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे, अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज बहुत बड़े अच्छे इसी अनुभव को लिख रहे हैं, द्रव्य बिना धनवंत छो जिन जी। आपके पास पैसा टका नहीं है, धनमाल नहीं है, सब त्याग करके निकल गए आप तो वैरागी बन करके निकल गए, अब आपके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप इतने धनवान हो। भगवान रोज देशना देकर 6 घंटे प्रतिदिन के 2 प्रहर की इतनी देशना देकर के लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो धन सबसे बड़ा धन है। हर तीर्थंकर ने कंपलसरी दीक्षा लेने के समय वर्षीदान दिया है लेकिन पूरी जिंदगी वर्षीदान क्यों नहीं दिया? महावीर स्वामी ने 1 बरस तक वर्षीदान दिया लेकिन आयुष्य भर तक, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी भगवान 42 बरस तक रहे हैं। अब भगवान दान देते रहते देते रहते देते रहते तो 42 साल तक कितना देते लोगों को, कितना देते लोगों को, फिर क्या होता लोगों के पास धन माल इतना बढ़ जाने। अब भगवान ने जितना ज्ञान दिया है तो क्या बताइए, ज्ञान धन भी धन होता है कि नहीं होता है? ज्ञान धन भी धन है कि नहीं? कि सोना चांदी का ही धन धन गिना जाता है, ज्ञान धन नहीं गिना जाता है क्या? ये बड़ी बात है। द्रव्य बिना धनवंत, अरे भगवान आप तो गजब के भगवान हो, कुछ भी नहीं देते हो, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन सबसे बड़े धनवान तो आप ही हो। ये शब्द देखिए उनके, कर्तापन के क्रिया बिना। अब भगवान कुछ भी क्रिया नहीं करते फिर भी करता है, बोलो भगवान ने आपके लिए कौन सी क्रिया की? बेटे के लिए माँ रसोई बनाती है, पति के लिए पत्नी रसोई बनाती है, सब कुछ बनाकर लाकर देकर खिलाती पिलाती पूरा परिवार संभालती है एक पत्नी, तो भगवान हमारे लिए कौन सी क्रिया कर रहे हैं? क्या क्रिया की भगवान ने? भगवान ना तो हमारे घर आए हैं ना आना जाना है, और फिर भी भगवान जो है कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है, हे भगवंत आप मेरी आत्मा के स्वभाव के कर्ता हो। क्या लाया भगवान? कैसे करता है मेरे लिए? भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने जो है
हित शिक्षा दी, भगवान ने व्रत नियम प्रतिज्ञाएं दी हमको, और इतने सब दे करके भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है सब। ये किसके लिए किया है भगवान ने? श्रावक जीवन के लिए 12 व्रत बनाए, सामायिक धर्म बनाया, आयंबिल का तप बनाया, सभी प्रकार के उपवास आदि तप बनाए, भगवान ने निद्रा के सब मार्ग बताए। अब ये भगवान ने नहीं किया तो किसने किया है? ये व्यवस्था किसने दी है? कौन करके गया इतना सब कुछ? आज नहीं है, आज हमारे सामने महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन सोच लो आप 2548 वर्ष पहले अगर महावीर स्वामी ने ये सब नहीं किया होता तो आज हमारे हाथ में क्या होता, क्या होता? सोच लो आप, एक मिनट के लिए विचार कर लो। हम अगर जैन कुल में पैदा नहीं हुए होते और दुनिया में बाहर कहीं किसी कुल में पैदा हुए होते तो हम क्या करते आज, क्या करते? तो ये परमात्मा का उपकार नहीं है? भगवान ने कितना किया हमारे लिए? 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने प्रतिदिन 6 घंटे देशना दी है। प्रवीण जी निकालो, हिसाब करो आप पहले, एक दिन की 6 घंटे, अब ऐसे 30 वर्ष तक की देशना का हिसाब निकालो। पार्श्वनाथ भगवान ने 70 वर्ष तक देशना दी, उनका हिसाब निकालो। नैमिनाथ भगवान ने 700 वर्ष तक देशना दी, उनका हिसाब निकालो। सिमंदर स्वामी आज जो है 1,00,000 पूर्व में 1,000 बरस कम इतने लंबे टाइम तक देशना दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं। अब निकालो हिसाब, तब आप बोलोगे भगवान आपने हमारे लिए क्या किया, कितना किया? माँ ने तो खाली खिला पिला कर ही तो बड़ा किया है। माँ तो और कितना कर सकती थी, खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया सब क्रिया हमारे लिए माँ ने की। चलो इतनी बात में भी हम माँ का उपकार तो मानते हैं। पिता ने क्या किया? पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, बिजनेस कराया, व्यापार धंधे से आपको कितना किस ऊंचाई तक पहुंचाया, कितना बड़ा काम किया परमात्मा ने। सामान्य बात है क्या, छोटी बात लग रही है क्या आपको? कितना बड़ा काम। लेकिन अब परमात्मा ने इतने 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने देशना दी, बोलिए ये माँ से बड़ा काम है कि पिताजी से बड़ा काम है? कितना बड़ा काम। कर्ता पद क्रिया बिना, भगवान कुछ भी क्रिया हमारे लिए नहीं करते हुए भी भगवान हमारी आत्मा के लिए कैसे इतने बड़े करता है, कैसे इतने बड़े करता है? अजय अनंत हो जिन जी, संत अजय अनंत हो जिन जी। हे भगवंत, आप तो जैसे मेरे लिए संत हो, शांत हो, आप महंत हो, उत्तम संत पुरुष हो, और विषय कसाय से आप अजय हो, और इसी तरह से इसी काल में आपका परमात्मा तत्व कोई नष्ट तो होने वाला नहीं है, नाश तो होने वाला ही नहीं है आपका, ऐसा अजय। अब भगवान को कोई जीत सकता है क्या? भगवान संत भी है, अजय भी है, अनंत है। अच्छा ये बताइए, भगवान के होने की इस प्रक्रिया का अंत आएगा कभी? कोई एक चौबीसी कभी खाली जाएगी क्या? कभी एक चौबीसी खाली जाएगी? कोई अवसर्पिणी काल खाली चला जाए, कोई उत्सर्पिणी काल खाली चला जाए, कभी कोई भगवान हुए नहीं, ऐसा होना है क्या? क्या लिखा है यहाँ पर? अनंत। ये क्रम जो भगवान होने का क्रम भी अनंत काल तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, अनंत काल तक भगवान होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, ये क्रम रुकने वाला नहीं है। तो कितने भगवान होंगे, कितने भगवान भूतकाल में हो चुके हैं, और कितने काल भविष्य में भगवान होते रहेंगे, अब इस अनंत का प्रमाण कितना लेना? बोलिए साहब, ख्याल आ रहा है आपको? बोलिए नीलिमा बहन, भगवान भूतकाल में कितने भगवान हो चुके हैं, भविष्य में और कितने भगवान होंगे, किसका ख्याल है? मीना बहन बोलिए। अनंत, अनंत होंगे साहब जी। क्यों, अनंत कैसे? बोलिए अनंत कैसे हो गए? क्योंकि अनंत 24 ही एक काल चक्र में एक हाफ दो 24 ही होती है। बोलिए, आज आपने इला बहन जी हाथ ऊपर किया, उत्तर देने की इच्छा है आपकी? देत महाराज, अनंत भूतकाल में हो गए, अनंत है और अनंत हो जाएंगे।
अभी पहले 24 होते हैं, गणित कर लो, थोड़ा सा गणित लिखो आप पहले, आज लिखना सब लोग जरा। गणित क्या है, एक अवसर्पिणी काल में पांच भरत क्षेत्रों में पांच चौबीसियां, उसी अवसर्पिणी काल में पांच ऐरावत क्षेत्रों में पांच चौबीसियां, एक ही चल रहा है अवसर्पिणी काल, दस चौबीसियां हो गई। अब चौबीसी मतलब चौबीस चौबीस चौबीस, अब चौबीस का अब दस के साथ गुणाकार कर लो साहब, अब ये चौबीसियां हो गई, कितनी हो गई साहब, अब दस के साथ गुणाकार करो, ये कितने हो गए, एक अवसर्पिणी काल में, तो ये हो गया अवसर्पिणी काल, अब ये हो गया उत्सर्पिणी काल, फिर वापस चौबीस भगवान चौबीस चौबीस ही दस हो गए, ये हो गए 240, अब ये कितने हो गए साहब, तो ये 480 कितने हैं एक काल चक्र में, एक काल चक्र में सिर्फ पांच भरत पांच ऐरावत में कितने हो गए 480 भगवान हो गए। अभी महाविदे में तो हमने गिनती नहीं की है, महाविदे का 20 मत बोल देना, अब ये काल चक्र कितने हो गए साहब बोलिए, काल चक्र अनंत हो गए, अब इन अनंत के साथ 480 का गुणाकार करिए साहब। प्रवीण जी अब इसका फिगर आप निकाल के बताइए, काल चक्र में 480 से अनंत का गुणाकार करिए। साहिब जी आपने, साहिब जी आपने पांच भरत क्षेत्र बोले ने, दस के से हुआ पांच भरत क्षेत्र और पांच ऐरावत क्षेत्र, पांच भरत और पांच है ना, काई द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में पांच भरत क्षेत्र और पांच ऐरावत क्षेत्र, जिसमें 24-24 होते हैं, इसलिए हमने ये लिए। अब इसके साथ में आप महाविदेह के गिनने लगो साहब, अब महाविदेह भी कितने हैं, वो भी पांच है साहब, अब आप कितने बोलेंगे महाविदेह में, 20-20 बोलेंगे, कितने बोलेंगे, ये एक काल चक्र में 480 होते उतने एक काल चक्र में महाविदेह में असंख्य हो जाएंगे, 20-20 मत, 20 के भरोसे मत रह जाना, मैंने इसके लिए पुस्तक लिखी है, जरा नाम लिख लीजिए, तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, इस पुस्तक का जो है नाम है तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, परमात्मा की परमानेंट सिस्टम क्या है, परमानेंट भगवान परमानेंट रूप से जो है किस प्रकार से होते ही रहेंगे, और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, मेहरबानी करके अहंकार मत समझना, ये तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था के पुस्तक के मैंने 1600 पेज लिखे हैं साहब, आप ध्यान में रखेंगे आश्चर्य होगा, और वो 1600 पेज भी कौन से लीगल साइज, ये फोर से लीगल साइज बड़ी होती है ना थोड़ी सी, मैंने इस तरह से लिखे हैं, अभी उसके 200-400 और लिखने हैं, 2000 पेज हो जाएंगे, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है सब लिखा है, लेकिन पारुल बहन आपको जरा मुंह बिगड़ेगा, आई हैव रिटन एवरीथिंग इन गुजराती लैंग्वेज, कैन आई सेंड यू, यू कैन डू इट इन इंग्लिश एज यू लाइक, समझे, अब क्या करें हम लोग यहाँ हैं, जब जिस संघ में जाते हैं जो संघ वाले डोनेशन देते हैं प्रिंटिंग के लिए, वो लोग बोलते हैं कंडीशन है महाराज गुजराती में लिख के देना, मैंने कहा हाँ भाई सब गुजराती में लिख देंगे सब, हम महाराष्ट्र में पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया तो उन लोगों ने फोर्स किया, नहीं तुम्हें मराठी तक लिखा मंजे हमें परमिशन दो, तो मैंने मराठी में लिखा साहब, अभी यहाँ पर इन संघों में जाते हैं तो बोलते नहीं महाराज हिंदी में ही लिखो साहब, अब क्या करें सब, हम तो सब बंदर के व्यापारी हैं, हम तो सब देश में जाते हैं जहाँ जाते हैं, तो हमको तो बोलना प्रवचन देना लिखना करना सब होता ही है साहब, लेकिन फिर भी चल रहा है साहब, तो ये भी कभी आप जो है स्टडी करना, आपको भी ज्ञान होगा बहुत डिटेल के अंदर, और देखिए नाम ही बुक का मैंने रखा है द परमानेंट सिस्टम ऑफ द तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवंतों के होने के परमानेंट सिस्टम है, अब क्या क्या परमानेंट, कितना कितना परमानेंट, कब होगा, अब वो महाविदे का भी मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाऊं,
तो बहुत टाइम जाएगा, फिर उसके लिए कभी अलग से क्लास रखेंगे। हाँ जी, तो बात क्या है यहाँ पर, भगवान के लिए दूसरी गाथा में शब्द क्या लिखे हैं, संरक्षण विननाथ। हे भगवान, आप किसी का कुछ भी करने नहीं कर रहे हो, संरक्षण नहीं कर रहे हो, फिर भी सबके योग क्षेम करने वाले नाथ हो। द्रव्य बिना धनवंत हो, आपके पास पैसा टका नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती नहीं दे रहे हो, फिर भी आप धनवान हो। और कर्ता पद क्रिया बिना, हे भगवान, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारे लिए सब करता ही करता आप ही हो। भगवान तो है, किसके करता है, किस किस प्रकार के करता है, तो वो सारी बात हमको बता दी यहाँ पर। यहाँ कर्ता पद की बात विशेष रूप से कर दी है। और फिर कहते हैं संत अजेय अनंत हो, भगवान कैसे हैं, संत किस तरह से हैं, अजय है, अनंत है, परमात्मा अनंत होते ही रहेंगे सामने। ऐसी कक्षा में परमात्मा है। अब यहाँ पर हम तीसरी गाथा में आ जाइए। अब ऐसे भगवान का तो स्वरूप ही जना, अगम अगोचर अमर तुम, अन्वय रिद्धि समूह हो जिन जी, वर्ण गंध रस भरस विणु, निज भोक्ता गुण व्यू हो जिन जी। हे भगवान, अगम अगोचर आपका स्वरूप कैसा है, जरा किसी को याद है, तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन की स्टार्टिंग में कहा था ना शब्द, संभव जिन राज जीरे तारु अकल स्वरूप। हे भगवान, आपका ये अकल स्वरूप मतलब विच इज बियॉन्ड माय इंटेलेक्चुअल लेवल एंड बियॉन्ड माय इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। हे भगवान, आपका स्वरूप इतना इतना अकल है, बस वैसा ही अर्थ शब्द यहाँ लिया है, अगम अगोचर अमर। ये सारे भगवान के लिए एडजेक्टिव्स दिए हैं सा। कभी आप जो है लिस्ट तो करना, वरुण बहन प्लीज कीप द सम डिस्टेंस लिस्ट, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव देवचंद्र जी महाराज यूज फॉर परमात्मा। देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दे हैव यूज्ड इन ऑन डिफरेंट स्तवन। हम इतने सब एडजेक्टिव को इकट्ठा कर लें, लिस्ट बना करके कभी मंदिर में बैठकर भगवान के सामने बोले, हे भगवान, अगम अगोचर अमर तुम, आप तो वैसे अगम अगोचर हो। अगोचर मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड योर होल पूरा स्वरूप, कैसे समझू मैं आपका, वेरी डिफिकल्ट, इट्स बियॉन्ड माई इंटेलेक्चुअल लेवल, इट इज बियॉन्ड माई नॉलेज, यू सी। भगवान को समझना बहुत बड़ी बात है बस, और यही कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है, 90% लोग भगवान का स्वरूप समझते ही नहीं है, भगवान को सही अर्थ में पहचानते ही नहीं है। वास्तव में भगवान क्या है, वास्तव में भगवान कैसे हैं, तो जो अंधश्रद्धालु है, those having that type of blind faith, they have only that type of idea, भगवान तमे केवा छो, मारे मतलब नथी, मारू काम साधो एवा भगवान मारे जोईए, तमे मारू काम करो ने भगवान गणो थयो, तमे केवा छो हूँ तमने ओळखवा जाऊ, तमारी आखी जिंदगी पूरी थाय हूँ तमने क्या ओळखवा, पण हवे तमे मने जे छे शुं आपो, मारू दुख दूर करीन मने सुख आपो, एटले मारू गणो थई गयो, तमे तमारे जेवा हो तेवा मारे हूँ लेवा देवा। कांतिभाई थोड़ी आवी लैंग्वेज पण छे, समझाया कि नहीं, इस लैंग्वेज में भी लोग बोलते तो है। तो यहाँ पर भगवान से लोग 90% द पर्सन दोस आर लिविंग इन द ब्लाइंड फेथ, मिथ्या श्रद्धा के अंदर रहते हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान विद्रागी है, भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान अनंत वीर्यवान है, भगवान अनंत आनंद है। भाई आ तमारू भाषण हवे तमारी पासे राखो ने मारे कई मतलब नथी, भगवान मारू दुख दूर करे एम छे के नहीं, मने सुख शांति आपे एम छे के नहीं, એટલે હું પહેલા છે ને શિવલિંગ ના શિવ મંદિર માં જતો હતો ને ત્યાં આગળ શિવલિંગ પાણી ચડાવતો, દૂધ ચડાવ, હવે હું આવ્યો, હવે હું સાંઈ બાબા ને માનું છું, હવે મને નવા ભગવાન મળી ગયા છે સાહેબ, એટલે હવે હું સાંઈ બાબા ને માંગુ છું। અબ એસે ભક્ત જો હૈ જો હમેશા ભગવાન હી બદલતે રહેતે હૈ, એસે પેશન્ટ હૈ જો હમેશા ડોક્ટર હી બદલતે રહેતે હૈ, એસે લોગ હૈ જો હમેશા એડવોકેટ બદલતે રહેતે હૈ, ऐसे पेशेंट है जो हमें, ऐसे लोग ऐसे हैं वोटर जो है
पार्टी बदलते रहते हैं, हमको भगवान बदलने नहीं है। पहले स्तवन के अंदर ही ये प्रतिज्ञा महात्मा जी ने, देवचंद्र जी ने कर ली है, बहुत अच्छी प्रतिज्ञा कर ली है। और इस प्रतिज्ञा के शब्दों को जब इन्होंने लिखा है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत, तो ऋषभ जिनंदसु प्रीतड़ी किम कीजे हो चतुर विचार, प्रभु जी जय अलगाव से अतिहा किणे हो कोई तत्व। अब ये महात्मा अपनी तरह से ये कहते हैं, और आनंद गंजी भी इनके समकक्ष योगी है, उन्होंने भी अपनी तरह से ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत, रिजो साहिब संगन परिहरे रे साथ भांगे साधी अनंत। ये महात्मा लोग ऐसे हैं सब योग की साधना में, अध्यात्म की कक्षा में रहने वाले। आनंद गंजी भी ऐसे पक्कड़ योगी थे, अवधूत योगी जिसको बोलते हैं, वो माउंट आबू की पर्वत माला के अंदर घूमते हुए बस यूं मस्ती में गाते, मस्ती में चलते जाते। ऐसे हमको लगता है अगर मान लो कि उनके पीछे चले या उनके साथ में चले, तो वो यूं चलते चलते जैसे भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता था। ये भी महात्मा देवचंद्र जी भी ऐसे ही हैं समझे। अगर आपने कभी, खैर अभी इनको तो हो गए 250-300 साल बीत गए, लेकिन उस समय में जिन्होंने इनके साथ समय बिताया हो, तो दे वर फीलिंग दैट जस्ट लाइक द कॉमन पर्सन, दोज हु आर टॉकिंग इन ईच अदर, सेम लाइक दैट ही इज टॉकिंग विद गॉड। कभी पारुल बेन आप जाके मंदिर में बैठना भगवान के सामने और कुछ भी मत बोलना, और इतना ही बोलना, भगवान टुडे आई एम कमिंग विथ यू एंड आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, कैन यू टॉक विथ मी, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, बस ये बोल करके बैठो, भगवान बोलो मेरे साथ बोलो, प्लीज टॉक विथ मी। आप हमेशा ही ऐसे मौन बैठोगे नहीं चलेगा, प्लीज प्लीज आप टॉक विथ मी, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आज मैं आपसे बात करके ही उठूंगी, नहीं तो नहीं उठूंगी। कभी एक हट ले लो ना, एक छोटे बच्चे के जैसी हठाग्रह बोलता है ना, जिद पकड़ लो आप, और जिद पकड़ के हठाग्रह करके बैठ जाओ, भगवान बोलो मेरे साथ आप बात करो, बोलो कैसी बात करेंगे, गुजराती में कहवा तमें बे वेवाण भेगा था हो तो कई बात करो, शु बात करो, बोलो वेवाण वेवाण से वे भाई वेवाण कांति भी आप समझते ही हो ना, तो जब इकट्ठे समदन समदन जी, हाँ तो आप कौन सी बात करो, किस विषय पर कैसे बात करो, तो कभी तो भगवान के साथ बातें करके देखो तो सही चलेंगे, एंड देन यू विल गेट दैट इंट्यूशन इनसाइड हाउ ही इज टॉकिंग विथ मी, व्हाट टाइप ऑफ ही इज टॉकिंग विथ मी, एंड देन ही विल कम इन योर ड्रीम इन नाइट टाइम आल्सो, देन यू विल रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ आंसर ही इज गिविंग मी। ये होना चाहिए, ये हमारे लिए करना चाहिए हमें। आप भगवान के साथ इतने समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ कि आप भगवान के साथ तल्लीन बन जाओ, बात करने लग जाओ, और आपको इंट्यूशन में जवाब आ जाएगा, ये पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन हम लोग सब इससे ऊपर हैं, हमने कभी कभी ये दरकार नहीं की कि भगवान कैसे हैं, भगवान को पहचानने की कोशिश नहीं। देखिए मेरी बात पर ध्यान देना, शब्दों पर, भगवान को जानना एक अलग बात है, भगवान को मानना एक अलग बात होती है। बिना जाने भी भगवान को मानने वाले बहुत हैं। आप दोनों तरफ से समझने की कोशिश करिए, भगवान को जो है नंबर एक, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है ऐसा। नंबर दो, जानते भी हैं और मानते भी हैं ऐसा। नंबर तीन, नहीं जानते हुए भी वो कहते हैं हम तो मानते हैं साहब। नंबर चार, आपने कई लेवा देवा नहीं, मुको ने पंचार समझा के नहीं कई जानवा नहीं कई मानवा साहब, क्या आपने एक तो मगज छे केटलू ने आमा क्या खराब करी नाखू, आपने खाई पी ने लीला लहर करवी छे बस। अब ऐसी मान्यता लोग रखेंगे तो क्या करेंगे साहब, कैसे करेंगे, सोचिए आप। अब चारों प्रकार के लोग संसार में तो है ही, सभी लोग सभी जात के लोग ऐसा, अब हम किस प्रकार के कैसे हैं, हम अपनी तरह से किस प्रकार के कैसे हैं, क्या हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि नहीं,
मैं अपना टेस्ट कर लो भाई, पहले अपना टेस्ट कर लो अपनी तरफ से, मैं कैसा हूं मेरी तरफ से विचार कर लो। लेकिन आप हाँ बोलेंगे साहब, अभी मैं पूछूंगा तो सब हाँ बोलेंगे साहब, हम भी दूसरे नंबर में, हमारा भी दूसरा नंबर है, हम भी दूसरे नंबर में। लेकिन ऐसा बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, क्या लायक नहीं। अब सम्यक दृष्टि जो भगवान को जिस स्वरूप में जैसा मानता है वो बात अलग है, और यहां पहले भगवान को जानना है। आप जानते हो किस रूप में भगवान को जानते हो? भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा जानते हो कि मने पची मारी रीते केवा भगवान जुए चे मारे मारी रीते जानवा चे मुको ने भाई पंचायत। नहीं, ये बातें मत करवा मुझे, मेरे लिए भगवान। अब क्या भगवान सबके लिए अलग अलग है? इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, मेरे लिए अलग, उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, मेरे लिए अलग? नहीं साहब, भगवान का एक रूप है, शाश्वत स्वरूप है, परमानेंट रूप है, त्रिकाल नित्य स्वरूप है। अब चाहे आदिनाथ लो, चाहे शांतिनाथ लो, चाहे पार्श्वनाथ लो, चाहे महावीर स्वामी लो, चाहे सिमंदर स्वामी लो, चाहे और आगामी भविष्य चौबीसियों के अंदर होने वाले लो, आप किसी भी भगवान को लो, नाम भेद से भेद रहेगा, शरीर भेद से भेद रहेगा, काल भेद से भेद रहेगा, लेकिन गुण भेद से कोई भेद नहीं रहेगा। बात बरोबर है? गुण भेद से कोई भेद नहीं रहेगा। नाम तो रहेंगे, आदिनाथ नाम अलग है, नैमिनाथ अलग है, पार्श्वनाथ अलग है, महावीर स्वामी अलग है, सिमंदर स्वामी अलग है, उस काल के अंदर अलग अलग होंगे। काल भेद होगा, अवसर्पिणी भेद से भेद होगा, उत्सर्पिणी भेद से भेद होगा, क्षेत्र भेद से भेद होगा। सिमंदर स्वामी महाविदे में, महावीर स्वामी हमारे यहाँ हो, तो ये तो भेद रहेगा। ये भेद बड़ा भेद नहीं है, देह भेद तो होगा ही होगा, सबके माँ बाप अलग अलग है, सबके समय में भगवान, सबका अपना अपना शरीर अलग अलग, उससे क्या फर्क पड़ गया है। लेकिन एक यूनिफॉर्म स्वरूप जो बना दिया है, ऐसे ही अरिहंत होंगे, ऐसे ही तीर्थंकर होंगे। देखिए आप नमोत्थनम जानते हो ना, नमोत्थनम में किसी भगवान का नाम ही नहीं, और सभी भगवान के लिए एक ही सूत्र, हमेशा जितने इंद्र महाराज आएंगे वो भगवान के चवन के समय, जन्म के समय में इसी नमोत्थनम सूत्र से वंदना करेंगे। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयकराणम तीर्थयराणम, सबके लिए हमेशा एक ही शब्द बोले। अभी तो च्यवन कल्याणक हुआ है तो भी बोलेंगे, अभी जन्म कल्याणक हुआ है तो भी बोलेंगे, अभी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो भी बोलेंगे। वो अवधि ज्ञानी इंद्र तो जानते हैं ना, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, बरोबर अर्थ से जानते हैं। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयकराणम तीर्थयराणम स्वयंसंबुद्धाणम, भगवान आप ही अरिहंत भी हो, तीर्थंकर भी हो, धर्म की आदि करने वाले भी हो, स्वयं बोध प्राप्त करने वाले भी हो। भगवान कैसे हैं समझे कि नहीं? अब क्या करें, अब कभी ये भी सूत्र लेंगे हम, कभी इसका भी अभ्यास कर लेंगे, तब जाकर के ख्याल आएगा। बोलो सर क्या करूं इलाबेन जी, नमोत्थुणम की जो है एक सीरीज चालू कर दूं? नमोत्थुणम के एक बरस तक चलेगा, ध्यान रखना। आपको लगता है खाली इतने ही शब्द लगते हैं, एक बरस तक हमको नमोत्थुणम समझना पड़ेगा, भगवान का समझना पड़ेगा, परमात्मा कैसे हैं। इतना अद्भुत स्वरूप है, इतना अद्भुत स्वरूप, हमको बड़ा लगता है अरे बहुत जल्दी, अभी बोलो बोलो, मैं अभी दो मिनट में पूरा नमोत्थुणम बोल जाऊं, दो मिनट लगेगी नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयकराणम तीर्थयराणम स्वयंसंबुद्धाणम, फटाफट 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 दो मिनट में पूरा हो जाएगा नमोत्थुणम। लेकिन हरिभद्र सूरी महाराज 1200 बरस पहले हुए, उन्होंने इस नमोत्थुणम शब्दों का डिटेल डिस्क्रिप्शन करके ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है ललित विस्तरा। अभी इतना बड़ा विस्तार करके अरिहंत भगवान कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, इतना बड़ा विवेचन लिख दिया है, कोई हमारी अक्कल काम नहीं करती है। साहब ललित विस्तरा, हाँ जी ललित विस्तरा ख्याल आया। और फिर सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज हुए,
उन्होंने और शब्दों का प्रयोग करके इसी नमोथुनम के शब्दों का और विस्तार करके करीब करीब 250 के ऊपर एडजेक्टिव दे करके एक सूत्र बनाया है शक्रस्तव। बोलिए साहब, इतना बड़ा सूत्र बना दिया शक्रस्तव, और उस शक्रस्तव के द्वारा हम भगवान की वंदना स्तुति स्तवना करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कभी एक दिन ऐसा संडे का या आपकी छुट्टियों का कोई दिन निकालो और सभी अपने घर घर में तैयारी करो। मैं यहाँ से ऑनलाइन आपको जो है शक्र स्तव के शब्दों से स्तवना कराता हूँ, और फिर आप विधान करो, अभिषेक करोगे। आप सभी अपने अपने घर में तैयारी करके भगवान रख करके स्तवना करते हुए स्तुति करते हुए इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, वो शब्द समझते अर्थ चिंतन करते हुए भगवान का स्तवना करेंगे। लेकिन वो लगेगा, 2-4 घंटे का समय लगेगा। क्या तो वो अभिषेक करते हुए, भक्ति करते हुए, भावना पूर्वक करते हुए इतना आनंद आएगा। बहुत बड़ा अच्छा विषय है, लेकिन अब क्या है, हम लोग इसी इन विषयों में जो स्थिर हो गए ना, अब ये फिक्स हो गए, ये सीरीज पूरी चलने वाली। अभी तो ये हमने शुरू किया है, 7वां स्तवन किया है, अभी 24 स्तवन होते होते न मालूम 1 साल बीतेगा कि 1.5 साल बीतेगा, पता नहीं है भाई साहब। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग इतने इंटरेस्ट से जो है इंटरेस्ट ले रहे हो, और इतने इंटरेस्ट से आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। इसलिए कभी कभी ऐसा मन में अचानक निकल जाता है, चलो हम सबको एक बार अभिषेक करा रहे, सबको आनंद से अभिषेक करा रहे, अपने अपने घर में, अपना अपना परिवार, सब परिवार के लोग मिल करके। मैं आपको पहले से डिटेल में भेज दूंगा, ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बाद में पूरी तैयारी हो जाए तो हम यहाँ से चालू करेंगे, फिर आपको सबको आनंद आएगा, समझेंगे नहीं। लेकिन अब वो कभी सबका टाइम तो एक कैसे जुड़ेगा सबका, लेकिन आप कभी कोशिश करना, एडजस्टमेंट करना, तो सेटिंग बैठा करके वहां का, यूएस का, यहाँ का, सबका एक टाइम बैठा करके करेंगे तो होगा, क्या लगेगा नहीं। अब ये रात को तो नहीं होगा ना, फिर तो दिन में ही तो करना है, तो आपके वहां पर जो टाइम हो उस हिसाब से करेंगे, सेटिंग बैठाएंगे तो होगा। चलिए, तो बात यहाँ पर ये चल रही है, अगम अगोचर अमर तुम अन्वय रिद्धि समूह जिन जी, हे जिनेश्वर भगवान, आप बिल्कुल जो है अगम्य अगोचर हो। एक तो भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे, हम यहाँ और सिमंदर स्वामी महाविद्य में कितना अंतर है, हम तो उनको नहीं देख पाते, वो हमको रोज देख रहे। सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में हम रोज आ रहे हैं, 200 तीर्थंकरों के केवल दर्शन में हम सभी रोज दिखाई दे रहे, सबको देख रहे हैं भगवान, सबको देख रहे हैं कि हाँ साहब देखिए, ये सब भाग्यशाली जो है परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी हर क्रिया उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में नियमित है, हम केवल ज्ञान केवल दर्शन से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। अब भी आप गणित कर लो, कांति भाई लिखो आप कितने हैं, अब 20 तीर्थंकर भगवान है, ये 20 हो गए इस समय, 20 जो है, अब ये तीर्थंकर भगवान, एक तीर्थंकर भगवान के 10 लाख केवली है, अब 10 लाख केवली हुए, आप 20 से गुणाकार करो कितने हो गए, 20 से गुणाकार करो कितने हो गए भाई साहब, 200 लाख, 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़। अब ये फिगर आया 2 करोड़ जो है ये किसका है, 2 करोड़ केवली का है, तो 2 करोड़ केवली और सबका केवल ज्ञान केवल दर्शन एक सरिता एक जितना, कुछ भी 19-20 नहीं है, कुछ भी 19-20 नहीं है साहब, कम ज्यादा रत्ती भर कम ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है, रत्ती भर भी कम ज्यादा क्यों नहीं है। सबने सभी ने चारों घाती कर्मों का क्षय किया, सबका घाती कर्मों का शायिक भाव से कर्म क्षय होने से एक सरीखा एक समान गुण जो है प्रकट हुआ है, एक सरीखा गुण, कोई कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, सबका इतना प्रकट, कितनी बड़ी बात है। अब ये हो गए ना 2 करोड़ केवल ज्ञानी,
अब 2 करोड़ केवल ज्ञानी के अंदर 20 तीर्थंकर जोड़ दिए और एक एक तीर्थंकर के 84 जो है वो सबके ये गणधर आज एट प्रेजेंट की बात है। एट प्रेजेंट अभी इस समय पांचों महाविधे में विचरण कर रहे हैं तो हमको यहां पर कितने देख रहे हैं। हम यहां पर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं लिख रहे हैं समझ रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं एक साथ में 2 करोड़ हमको रोज देख रहे हैं रोज जान रहे हैं साहब रोज देख रहे हैं रोज जान रहे हैं। अब 20 तीर्थंकर भगवान में और इन 2 करोड़ केवलियों में और इन गणधरों में फर्क कितनी बात का है कि सिर्फ प्लस पॉइंट इनका है कि ये तीर्थंकर नाम कर्म वाले हैं ये इनका प्लस पॉइंट है ये गणधर नाम कर्म वाले हैं ये इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन सभी केवली जो है सभी एक सरीके हैं सबका केवल ज्ञान एक सरीका सबका केवल दर्शन एक सरीका सबका जो है चारित्र एक सरीका रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बाहर की दुनिया में आप चले जाइए साहब कहीं पर ऐसी बात भी नहीं मिलेगी आपको। आप जाकर देखो दुनिया भर में बाहर के कई ग्रंथ देख लो कहीं पर भी आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। तो यूनिफॉर्मालिटी 2400 तीर्थंकर भगवंतों की यूनिफॉर्मालिटी इतनी ऊंची कक्षा के इतने ऊंचे और सबको नमुत्थुनम के एक सूत्र से सबको नमस्कार हो एक सूत्र में सबके सिर्फ एडजेक्टिव ही लिए हैं और कुछ भी लिया ही नहीं है सब तो एक सरीके सबको नमस्कार हो। भाई साहब इतने इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सोचिए आप। अब ये जब हम समझेंगे सीखेंगे जानेंगे तब हमको आश्चर्य होगा। आज तो नहीं हो रहा है अगम अगोचर अमृत हे भगवान ये आपका शरीर जो है स्वरूप जो है अगम अगोचर है मतलब क्या अगोचर मेरी बुद्धि में तो बैठ नहीं रहा मैं तो जो है मेरे ज्ञान में समझ नहीं पा रहा हूं भगवान और मैं इसको इंद्रियों से जानने की कोशिश करूं तो मेरी मूर्खता है कि नहीं। ये तो मुझे ज्ञान से जानना है मैं इंद्रियों से आपको देखने की बात करूं नहीं 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 भगवान। तो इसलिए हमको ये कदाग्र छोड़ना है इंद्रियों से भगवान को जानू आंख से भगवान को देखू तो मानू नहीं तो नहीं मानू ऐसी मिथ्या परिणति मत बनाना। अन्वय रिद्धि समूह जन जी हे भगवंत आप कैसे हो समझेगी। अब आपकी जो कक्षा है कैसी है अमर अमर मतलब क्या है भगवान तो कभी मरने वाले भी नहीं भगवान देह से मृत्यु होकर अरिहंत से सिद्ध बन गए तो पर्याय है और परमात्मा का स्वरूप तो जो है वो अजर अमर है। परमात्मा की आत्मा भी अजर अमर है परमात्मा का स्वरूप भी अजर अमर है भगवान तो बिल्कुल अजर अमर स्वरूप में है तो क्या नष्ट होगा त्रिकाल नित्यता आ गई ना अमर स्वरूप से। अन्वय सहज व्यापक रूप से भगवान में रहेल हुई अनंत ज्ञान आदि रिद्धि के आप भगवान समूह अन्वय रिद्धि समूह हो भगवान ज्ञान भी अनंत दर्शन भी अनंत चारित्र भी अनंत वीर्य भी अनंत आनंद भी अनंत एक तरीके ये रिद्धि सिद्धि आपकी ये रिद्धि है भगवान आपके सोने पैसे की बात नहीं है। हाँ जी हाँ समय हो गया है। वर्ण गंध रस फरस विनु निज भोक्ता गुण व्यू हो जन अब भगवान के लिए भगवान न तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी वर्ण गंध रस स्पर्श किसके गुण है ये तो पुद्गल के है तो मुझे तो पुद्गल के गुण नहीं चाहिए मुझे पुद्गल द्रव्य नहीं चाहिए भगवान मुझे कोई मेरे को कोई भगवान धन दे संपत्ति दे कुछ दे मुझे ऐसे भगवान नहीं चाहिए मुझे इससे नहीं चाहिए बस बात यहाँ पर ये आ गई ये विशेषता है। और निज भोक्ता गुण व्यू हो जिन जी हे भगवंत आपका जो है वर्ण गंध रस स्पर्श रही तो आप और आप ही शुद्ध स्वरूप के भोक्ता और गुण के पुंज हो ये थोड़ी गाथा हम फिर वापिस करेंगे लेकिन इसका अर्थ हमें समझना है तभी हमको परमात्मा का स्वरूप ख्याल में आएगा। आज देखियोस्मी कांती भाई मथेड़ा महाराज साहब 84 गणधर जो आपने लिखा है उसका एक सवाल है और दूसरा ये 84 गणधर जी की कैसे संख्या आई 82 ऑफ ई
तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए सिमंदर स्वामी के अकेले के 84 तीर्थंक गणधर है, युगमंदर स्वामी के भी 84 है, बाहु स्वामी के 84 है, 20 तीर्थंकर के 84 है, ये बात है। और मुझे दूसरा सवाल ये है, जो आपने कहा महाविदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा होता है काल चक्र में, तो चौथे आरा के जैसा काल, हमारे यहाँ जैसा चौथा आरा होता है वैसा वहां पर काल होता है, वहां चौथा आरा होता है, ये शब्दों के अंदर थोड़ा सा करेक्शन। अच्छा, होता ही है वहां, आरा होता ही नहीं, आरा सिस्टम नहीं है महाविदेह में। तो वहां भगवान जी सिमंदर स्वामी और 20 तीर्थंकर होते हैं, वो जो देशना देते हैं वो देशना कैसी होती है, आगम के अपने आगम के अनुसार होती है कि महावीर स्वामी की देशना, पार्श्वनाथ की देशना, नैमिनाथ की देशना, सिमंदर स्वामी की देशना, द कंटेंट्स आर द सिमिलर वन एंड द सेम। मैं पूछता हूँ इंडिया में गाय दूध देती है उसका दूध कैसा होता है, अमेरिका में देती है, यूएस में है, कैलिफोर्निया में है, फ्लोरिडा में है, सब जगह गाय दूध कैसा देती है, तो गाय का दूध अलग अलग होता है क्या सब जगह पर? अगर गाय है तो सबका दूध सेम सा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी तीर्थंकर देशना देते हैं, द कंटेंट्स आर द सेम वन एंड द सेम, आत्मा की बात आएगी, नौ तत्व की बात आएगी, मोक्ष की बात आएगी, सब बात यही आने वाली है, नो चेंज एट ऑल। क्योंकि मैं ये सोच में पड़ गया था कि जब गणधरवाद हुआ तो महावीर स्वामी और गौतम गणधर से बीच में हुआ तब थे, या आगम की कहां शुरू हुई, तो वो महाविदेह क्षेत्र में भी तब कैसे हुआ, ऐसे मैं सोच रहा था। देखिए ये महावीर स्वामी के 11 गणधर ब्राह्मण थे और वो मिथ्यात्वी थे, इसलिए डिस्कशन हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान के गणधरों के साथ शुभ स्वामी, यश स्वामी जो थे उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, वो मिथ्यात्वी उस प्रकार के नहीं थे। नैमिनाथ भगवान के 18 गणधर हुए, कोई डिस्कशन ऐसा नहीं हुआ। सिमंदर स्वामी के 84 गणधर कोई सभी ब्राह्मण नहीं थे और मिथ्यात्वी नहीं थे कि मैं आत्मा नहीं मानता हूं, मैं मोक्ष नहीं मानता हूं। ये कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया, दैट कोई इंसिडेंस के अंदर इधर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और इधर महावीर स्वामी की देशना अपापा पुरी नगरी में वैशाख शुद्धि एकादशी के दिन देवताओं ने आयोजन की है, समोसरण वहां बनाया इसलिए। और इधर जो है सोमिल नाम के ब्राह्मण ने बड़ा यज्ञ याग होम हवन रखा था और वहां इन 11 ब्राह्मण पंडितों को इनवाइट किया था, वो यजमान के रूप में सोमिल ब्राह्मण था और ये 11 ही पंडित वहां पर आए और ये यज्ञ याग होम हवन कर रहे थे, उधर देवता जो है महावीर स्वामी के समोसरण में गए, पब्लिक भी उधर गई, तो इन ब्राह्मण पंडितों ने सुना, अरे 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 ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर जो है इंद्रपुत्र गौतम आदि ये भी गए एंड दे हैव ऑल द पर्सन ऑल द स्कॉलर्स दे हैव सम डाउट्स इन देयर माइंड, सो फर्स्ट इंद्रपुत्र केम एंड देन सेकंड अग्निपुत्र एंड देन वायुपुत्र एंड देन 11 गणधर दे केम दे डिस्कस विद द महावीर स्वामी, सो दैट्स व्हाई जो है ये गणधर बात बन गया, बाकी किसी तीर्थंकर के साथ नहीं हुआ ऐसा। खूब अनुभव, थैंक यू। प्रवीण भाई, सिमंदर साहिब जी, जब कोई भी तीर्थ केवल ज्ञानी निर्वाण होते हैं तो ये संसार के जो निगोद के जीव के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई मोक्ष में जाएगा तब निगोद में से एक बार निकलेगा, वहां वही बोला बोला निर्वाण हो, जब मोक्ष में जाएंगे ना तब। पारुल बे बोलिए, मीना में परासा पूजा के लिए तो त्रिगड़ा वगैरह चाहिए होगा, तो करेंगे क्या? तो नहीं भी होगा तो आपके घर में जो टेबल है वही चलेगा, आप वो मत सोचिए चाहिए वो चाहिए, नथिंग इज कंपलसरी, बस जो घर में जो है उसी में एडजस्ट करना है सबको। साहिब जी आज देवचंद्र 24 के जो 24 तवन है वो हमको सब 24 तवन बोलना चाहिए एवरीडे, ऐसा है कि एक एक तवन बोलो? आप एक एक बोलो तो इट इज सफिशिएंट। ओके, जो जो आपने सिखाया है उसके स्तवन बोलेंगे तो उसके भाव आएंगे।
और इनके सबके स्तवनों के राग हैं, बड़े अच्छे म्यूजिक के साथ गाए हुए हैं। आप एक बार नेट पर से सर्च कर सकते हो, तो क्लिक करके सर्च करो, डाउनलोड कर लो देवचंद्र चौबीसी, क्या लायक है। नहीं तो मैं किसी को बोलता हूँ वो आपको भेज, ये नीलिमा बहन को बोलिए ये भी भेज सकती है। अच्छा हाँ लेकिन एक ही दिन में सबका हो, एक साथ 20 तीर्थंकर जो रहते हैं, तो किसी का निर्वाण हुआ तो और नए तीर्थंकर वही टाइम पे होते हैं या फिर? अरे पहले से अभी हो चुके हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तब सिमंद स्वामी के निर्वाण के बाद इनकी देशना शुरू हो जाएगी। नमो कृतज्ञोऽस्मि मथेन वंदामि। सूचना है कि अगली क्लास अपनी जैन फाउंडेशन के जूम पे रहेगी, आयुर्वेद की है, कृपा करके वहां ज्वाइन करें। मथेन वंदामि, कृतज्ञोऽस्मि, मंगल पाठ की कृपा करें। नमो सिद्धार्थम नमो वज्रा नमो लोहे सर्व साहुणम एस पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतोदम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं दम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनम्।